महीना हो गया है, 9 महीना हो गया है भाई साहब का परमिट आके, इनके पास में रिक्शा भी नया आ चुका है, पेपर हमारे जैसा आईटीओ ऑफिस में रखा हुआ है, इनको नंबर नहीं दिया जा रहा है कि गाड़ी नहीं पास की जा रही है। अगर गाड़ी पास नहीं करनी थी तो परमिट मिलने की जरूरत भी क्या थी? आज वो 2 लाख का लोन, 2 लाख का कर्ज वो व्यक्ति किस प्रकार अदा करेगा अपना, इनकी भी तकलीफ है, आप लोग सोच नहीं पता करें। और उनके साथ में क्या हुआ है वो सुनो। इनका भी मैं मेंबर हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाइयों, आज जो अपन अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अपनी लड़ाई सड़क पे, गाड़ी धंधा भी सड़क पे करना है, फिर भी मैं अपने लिए अभी तक जो जो लोगों ने यूनियन के माध्यम से, जैसे डॉक्टर राम मोहन लोहिया जी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, डांगे जी है, कई महापुरुषों ने कामगारों के हित में यह यूनियन बनाई, हमारे अन्ना भाई साठे जी है, कई लोग है, और उन्हीं का दाखला लेते हुए हमारे अभिजीत राणे जी वाले लोग, जो हमारे संस्थापक है, हमारे अध्यक्ष राम मिश्रा जी है, इन सभी लोगों को मैं, जानवर के भी प्रति यहाँ कानून है, कोई जानवर को मारेगा तो उनके सलमान को वैसा तकलीफ हो रहा है, वैसा तकलीफ हो जाएगा। अब जानवर प्राणी जानवर सबकी बात जो है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे को भी संरक्षण दिया है। फिर हम लोग तो यहाँ के मजदूर है, यहाँ के सेवक है, लोगों को सेवा देते, मैं यहाँ जितने भी मीडिया मिले अगर सज्जन खड़े हो गए, मैं उनको आदर के साथ में कहता हूँ कि भाइयों, यहाँ पर कम से कम मैंने 35 साल के अंदर मेरे रिक्शा वाले भाई लोगों ने देखा है कि रात को 2 बजे भी, 12 बजे, 1 बजे, घर वाले हो, बाहर वाले हो, मैडम हो, सिस्टर हो, जो भी हो, और आलम की धंधा करने वाली कोई हो, तो उसको भी बहन जी सिस्टर बोल के रात को 2 बजे 3 बजे उनके घर तक छोड़ देता है बंबई के रिक्शा वाले ने। अभी तक उनका विनय भंग भी नहीं किया, ये यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, प्रशासन को इसकी दखल लेनी चाहिए। अगर कहीं संप होता है किसका, सही का एसटी बीएसटी का ट्रेन का ऐसा कुछ हो गया तो दूसरे दिन हेडलाइन सभी ऐसे मंदिर से लेकर नवाकाल पवाकाल ये सब बवाल कर देते कि रिक्शा वाले ने कल लूटा। लेकिन भाइयों, आज 5 साल हो गया हमारा मीटर नहीं बढ़ा, हमने नई आवाज निकाली, लेकिन उसके पहले हकीम कमेटी थी, हकीम का नाम होता है दवा देने वाला, ये हकीम साहब कमेटी थी। आज देखो यहाँ पर सब उसके पास किसी का ये नहीं, आज यहाँ झेबरा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसका नंबर आ जाता है 200 रुपया, मैं 15 रुपया फाइन से यहाँ पैसा भर के आया हूँ, यदि हम करे जो हवलदार साहब थे उनको 2 रुपया भी देते थे, लेकिन मैं 15 रुपया फाइन से भर के आया हूँ दोस्तों, अभी 200 बन गए। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग है या कानून को मानने वाले लोग है, हम सवेरे उठ के गाड़ी में बैठने के साथ में हम गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते, एयरपोर्ट में जाने वाला पैसेंजर रहेगा तो उसको हम सेफ हैप्पी जर्नी बोलते, लेकिन यहाँ पर की व्यवस्था जो हमको हजारों साल से, हमसे नहीं हजारों साल से यहाँ के मजदूर को गुलाम बना के रखा है, और आज ये सरकार चाहती है कि गुलामी के अंदर इनके सर को हम कुचल डालू, जैसे हमारे राजा सम्राट कौन, विजय मिश्रांना विसरून कसं चालेल, विजय मिश्रा साहेबांचा आवाज में दम नाही आहे, जितनी जितनी सुदीप राणे साहेबांचा, ठीक आहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आपने जोर से नारा बोलेंगे, रमेश खान के स्टाइल सही है, अपना जरूरी काम छोड़ के हमारे आपके बीच में अपना अमोल समय दिया है दोस्तों। जिंदाबाद,
खास करके दलालों का हमारे यूनियन के सभासदों का हाथ लगा देगा और फिर हमारा यहाँ पर दलालों को ज्यादा प्रवोक करके ये गलत काम कर रही है। कोई भी सभासद का काम होने को नहीं देता है। इस एट्रोसिटी को बंद करने के लिए हमने आज तय कर दिया है कि आज हमारा ये ताकत, ये जो यहाँ पर जो बैठे हैं गायकवाड़ साहब, उनको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है करके इस क्षेत्र में। सिर्फ यही क्षेत्र में ये हो रहा है। पिछले टाइम हमने एक बड़ा मोर्चा निकाला था तो उसका पूरा टॉपिक्स यहाँ पर ठीक कर दिया, लेकिन कोई तरीका नहीं है कि किसी गरीब को फंसाने के लिए। मैं अब आपसे अभी हम राणा साहब से भी विनती करता हूँ कि हम लोग मिश्रा जी तो इधर आगे लीजिए। पनेकर साहब आज या मोर्चाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आलेले आहेत। सर्व रिक्षा चालक मालकांना मी विनंती करेन की जोरदार टाळ्या वाजवून अभिजीत राणे साहेबांचं स्वागत करावं। मित्रांनो, सकाळी 10 वाजल्यापासून आपल्या न्याय हक्कांसाठी या ठिकाणी आपण उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बोरवली या कार्यालयावर आपण धडक मारलेले आहे। अभिजीत राणे साहेबांनी 4 दिवसापूर्वी आपल्या सर्वांना आदेश दिला, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बोरवली या कार्यालयामध्ये दलालांचा सुळसुळात वाढलेला आहे। दलाल आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यकार अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आहे आणि या ठिकाणी दलालान सांगितल्याशिवाय परिवहन आयुक्त सही करत नाही। त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी आज अभिजीत राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण आलेलो आहोत। मित्रांनो, काल परवा दहीहंडी फूट गई है और आज यहाँ पे आरटीओ का और दलालों का दहीहंडी फोड़ने के लिए अभिजीत राणे साहब यहाँ पे आए। दोस्तों, ये महाराष्ट्र का अभिजाती जसो या सत्ताधीश अभिजीत राणे साहब के नादने को लगता नहीं है, आरटीओ को मालूम नहीं है। यहाँ पे रहने वाले जो काम करने वाले दलाल लोग है, ये दलाल लोग का बंदोबस्त करने के लिए अभिजीत राणे साहब ने ओनली आदेश देने का है। हमारे सुधीर जैसे हजारों तरुण अभिजीत राणे साहब के साथ है कि 2 मिनट में यहाँ पे दलाल राज चल रहा है और दलाल राज का बंदोबस्त करने का तैयारी अभिजीत राणे साहब के नेतृत्व में 1 मिनट में हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आरटीओ को मेरा विनंती है, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यहाँ पे आरटीओ और दलालों का ही काम होता है, ऐसा ये बोर्ड निकालो और वो बोर्ड निकाल लगा दो, ऐसा मैं यहाँ पे आह्वान करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अभिजीत राणे साहब आप सभी के तरफ से अभी एक परिवहन आयुक्त को मिला है, अंदर जो चर्चा हो गई है उनके बारे में अभिजीत राणे साहब आपको बताने वाले हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि महाराष्ट्र के ये देश का एक जबरदस्त सिस्टम नहीं बदला, हमारे लोग का काम नहीं होगा कायदे ढंग से, तो 7 दिन बाद ये मोर्चा पूरी रोड से जाम रहेगी, क्योंकि पब्लिक नहीं है, पब्लिक ही पब्लिक आपको दिखेगी। इसलिए रिक्वेस्ट के लिए एक नॉर्मल मोर्चा साहब बोले लाओ, रवि गायकवाड़ सर ने रिक्वेस्ट किया है कि नॉर्मल मोर्चा लाओ, इसलिए हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। और 7 दिन के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिन बाद हमारा विशाल मोर्चा आएगा और उसके लिए हम ताकत के साथ जीतने वाले नहीं है। 200 बोल के मैं अपना सर्वप्रथम सकाळी 10 वाजल्यापासून या ठिकाणी आपण सगळे या परिसरातले त्रासलेले रिक्षा चालक मालक
आणि ज्या ज्या जी जी लोक या ठिकाणी या आरटीओ कार्यालयात आल्यानंतर ज्यांना ज्यांना त्रास झालेला आहे, ते सर्व रिक्षा चालक मालक आपल्या युनियनशी निगडीत असलेले सर्व आपल्या परिवारांचे सदस्य या ठिकाणी मुंबई शहरामध्ये 40,000 अधिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालक मालकांचं प्रतिनिधित्व करणारी युनियन या ठिकाणी मागच्या 6 महिन्यापासून अनेक फाईली पेंडिंग राहिलेल्या आहेत, परमिटचे प्रश्न आहेत, वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती आपली लढाई रोजच चालत असते। पण या ठिकाणी मागच्या 8 दिवसापूर्वी काही इकडच्या दलालांनी आपल्या युनियनच्या मार्फत कुठचेही कमिशन न घेता किंवा कुठच्याही किमतीच्या वरची किंमत न आकारता हम लोगों को सेवा देने का काम करते हैं। आणि या ठिकाणी काही दलालांनी आपल्याकडे आपल्या युनियन साठी काम करणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या हल्ल्यामुळे आपण सगळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेलो आहे। मी रवी गायकवाड जे या ऑफिसचे प्रमुख आहेत त्यांना आपण 7 दिवसाचा इशारा दिलेला आहे की या 7 दिवसामध्ये आपले जे प्रलंबित कामं आहेत ती जर झाली नाहीत तर हा एक छोटासा आक्रोश मोर्चा आहे। तो आक्रोश मोर्चा हा विशाल मोर्चामध्ये रूपांतर होण्याकरता वेळ लागणार नाही आणि 8व्या दिवशी जर आपली कामं झाली नाहीत तर या ठिकाणी आपण बघितलं असेल की मोजून फक्त आपण 500 लोक या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि आपल्याकडे जी 500 लोक आलेली आहेत त्यांची नावं आपल्याकडे आहेत। जर गरज लागली तर आपल्याकडे असलेले 40,000 लोक या ठिकाणी जमतील। रवी गायकवाड यांनी मला आश्वासित केलेलं आहे, संबंधित आरटीओचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई होईल आणि त्याचबरोबर मुंबईचे लॉ अँड ऑर्डरचे प्रमुख सन्माननीय देवेन भारती यांच्याशी माझं आज सकाळी फोनवरती चर्चा झालेली आहे। जे ज्या दलालांनी या ठिकाणी अशा पद्धतीचं कृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर तात्काळ लवकरात लवकर कारवाई होईल ही पण आश्वासन त्यांनी मला दिलेलं आहे। त्यामुळे मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की या ठिकाणी आपण कोणाचे गुलाम नाही आहोत, आपण रिक्षा चालक आहोत मालक आहोत, आपण घाम काढतोय मेहनत करतोय। कोणी जर आपल्यावर अन्याय करायचा प्रयत्न केला, कोणी आपल्यावर दादागिरी करायचा प्रयत्न केला तर त्यांना त्याच वेळेस त्याच ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आणि युनियन कायमच तुमच्या बरोबर राहणार आहे। या ठिकाणी मेट्रोचं काम जवळपास संपत आलेलं आहे आणि ही सगळी मोठी गदा ही आपल्या सगळ्या रिक्षावाल्यांवर येणार आहे। आपण सगळे संघटित झालो पाहिजे, आपल्यामधली जी लढाई आहे ती लढाई आपण मोठी ज्वालामुखी म्हणून तयार करायची आहे। आपल्याला आज महाराष्ट्र शासनाकडून असंघटित कामगार जे आहेत त्यांना आता ओळखपत्र मिळणार आहे। सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपण आपलं कसं जीवन चांगलं सुखी करू शकू, मुंबई महानगरपालिकेकडून रिक्षा चालकांच्या महिलांसाठी बचत गटाची स्थापना झालेली आहे, अनेक स्कीम्स महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेची आहेत जे आपल्या रिक्षावाले त्याचा फायदा घेत नाही आहेत। आपण युनियनच्या कार्यालयात जाऊन या सगळ्या गोष्टींची माहिती घ्यावी। मी तुम्हाला जास्त काही बोलणार नाही पण आज आपण या ठिकाणी सगळे जमलो, आपल्या सगळ्यांचं यश आहे की या कमिशनरने 7 दिवसामध्ये या ठिकाणी ज्या काही आपल्या मागण्या आहेत त्या संपूर्ण मागण्या पूर्ण करतील असा विश्वास दिलाय। त्यामुळे आजच्या या आक्रोश मोर्चाचा घटना एक प्रभावी संघटना जो मुंबई शहर में 40,000 से 45,000 रिक्षा चालक मालकों का प्रतिनिधित्व करती है, दहिसर स्थित जो आरटीओ कार्यालय है वहाँ पर जो दलालों की दलालशाही थी उसे हमको ख़त्म करना है और यहाँ पर जो अधिकारी है
वो अधिकारियों को अधिकारियों का दलालों के साथ में जो साठगांठ है, वो साठगांठ के विरोध में हमने ये यहाँ पर आक्रोश मोर्चा यहाँ पर हमने लाया था। आज मैं हमारे साथ में हमारे मुंबई के अध्यक्ष सन्माननीय विजय मिश्रा, मेरे साथ में यूनियन में काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ पर हमने हमारा शिष्टमंडल हमारे गायकवाड़ जी से हम मिले और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आने वाले 7 दिनों में हमारी जितनी भी मांगे और प्रलंबित काम है वो सभी चीज़ें पूरी होंगी। साथ में जो दलालों की यहाँ पर दादागिरी और हुकुमशाही चल रही है उसके लिए उन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा FRI रजिस्टर किए हैं और जो जो नाम हमने दिए हुए वो सभी नाम उन्होंने यहाँ के MHB पुलिस स्टेशन में उन्होंने उनकी नामों की लिस्ट दी हुई है, उनके ऊपर भी जल्द ही जल्द मतलब उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। साथ में जो हमारे यूनियन के जो प्रतिनिधि थे उनके ऊपर जिन जिन दलालों ने हल्ला किया था उनके ऊपर तुरंत FRI दर्ज करने का भी हमें वादा दिया है। साथ में जो हमारे प्रलंबित काम है, जो परमिट से रिलेटेड है, लाइसेंस से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है, वो 7 दिन में सभी काम वो करके देने का हमें आश्वासन दिया हुआ है। मगर 7 दिन में अगर ये चीज़ें हमारी पूरी नहीं हुई तो 8वें दिन यहाँ पर एक विशाल मोर्चा यहाँ पर होगा। आज जो आप लोगों ने लोग देखे हैं वो सब हमारे दहसर, बोरिवली, कांदिवली, मलाड के आसपास के लोग यहाँ पर आए थे। अगर 7 दिनों में हमें न्याय मिला नहीं तो निश्चित तौर पर लगभग 10 से 20 हज़ार लोगों का विशाल मोर्चा हम यहाँ पर निकालेंगे और हमारा निषेध हम यहाँ पर प्रकट करेंगे और जब तक हमारे काम होंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। सर, और जिस तरह से गायकवाड़ साहब के सामने आपके द्वारा बात रखी गई कि इस क्षेत्र में 2-2, 3-3 रिक्शा एक ही नंबर प्लेट की चली जा रही है, आपने पत्र भी दिया है? नहीं, उन्होंने हमें बताया है लगभग 100 से ज़्यादा सेम नंबर के जो रिक्शाएँ हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और उनका फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट जो है हमारे पत्र देने के बाद मुंबई में अनेक भागों में इल्लीगल रिक्शा चलती है, विदाउट परमिट रिक्शा चलती है। मालवनी परिसर हो, MHB का परिसर हो, मलाड में अप्पापाड़ा परिसर हो, ऐसे परिसरों में जहां पर विदाउट परमिट रिक्शा चलती है वहां पर वो तुरंत उनके स्क्वाड आज से लगाने वाले हैं, वहां पर भी हमें कार्रवाई देखने मिलेगी। थैंक यू।